इसमें कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। बोले वरुण देव भगवान की। हाँ जी, वरुण देव ही जल के रूप में सागर नदी तालाब जहां से हम गंगा मैया का आवाहन करके जल के रूप में सभी तीर्थों को लाए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की मर्यादा है कि इसे सुनने के लिए सारे वेद, चारों वेद, सभी पुराण, सभी धर्म शास्त्र, सभी देवगण, सभी असुर, आपके इलाके के जितने भी भूत प्रेत पिशाच ढाकनी शाकनी सब मनुष्य, जिसे निमंत्रण मिले वो भी, न मिले वो भी, सभी आप, क्योंकि ये सबको तारने वाले नहीं। तो एक बार जयकार बोलेंगे, बोले गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा मैया ऐसी एक तीर्थ है जिसमें सारे तीर्थ निवास, और एक मैया है। अभी मैं मैया का जयकार ज्यादा हूं, देखिए एक पंक्ति में भी सबसे आगे मैया बैठी है। ये हमारी सनातन संस्कृति है, इसलिए हमारे वेद भगवान ने कहा कि मातृदेवो भव, वो देव वो परमात्मा सबसे पहले माँ के रूप में थे, और माँ जब आई तो सृष्टि प्रारंभ। आज भी घर में माँ नहीं हो तो बस घर क्या होगा। एक कहावत है कि बिन घरणी घर भूत का डेरा। कभी आप लोग चले जाइए मैके दो चार महीने, फिर आके देखिए जो सामान की क्या स्थिति रहती है, रूम की क्या स्थिति, चाहे कितने भी काले पढ़े लिखे हो भाव। इसलिए हमने कहा गंगा मैया। एक और माँ है जिनकी हमारे सनातन धर्म में यदि वो नर है तो ये धर्म नहीं, वो है गो माँ। चाहे कोई पूजा पाठ करो, छोटी से सत्यनारायण कथा ही करो, पंचामृत कहां से लाओगे जी? क्योंकि पंचामृत भैंस के दूध से नहीं बनती, शास्त्र ऐसा नहीं करते। दूध तो दूध है, चाहे वो भैंस का हो कि बकरी का हो, ताकि मां पाओ। लेकिन पंचामृत बनाने का शास्त्र विधान करता है गाय के दूध में, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शक्कर और मधु, ये पांच अमृत है। इसलिए एक बार प्रेम से सब कोई बोलेंगे गो माता की जय। हर हर महादेव। हमर बात बुझम अभी है ना, आज सबके हिंदी में कथा सुना रहा हूँ, आ जाओ नीक लागा तो कल से मैथिलियो में सुना दे, आई लेकिन हिंदी में सुना रहा, न जाने कतेक बोर्ड पड़े हमारा हिंदी मैथिली का अंतर। पूरा मधुबनी जिला में हम जन, हम तो श्री सीतामढ़ी देश के पश्चिमा ब्राह्मण लोग कहे विपिन जी से कहते तय हिंदी में, लेकिन मधुबनी में जहन कथा कहा मधुबनी जिला में वो लोग आग्रह करे थे दिव्या से मैथिली में की, हम कहले जो हमारे सब पश्चिमा मैथिली से शुद्ध और शुद्ध कहे ना, मैं मतलब घी के लड्डू टेढ़ो की, लेकिन आपके यहाँ हिंदी में, और फिर आपके ये शिक्षक तो आई है कथा श्रवण कर, और कथा श्रवण अकेले नहीं करना, अकेले का तात्पर्य ये है ये अपनी मनमानी करेंगे तो फिर जितनी मेरी योग्यता है उसी के अनुसार हम सुनेंगे, है ना? तब तो जितनी अपनी बुद्धि उतना पावर ही रहेगा। इसलिए किसी महापुरुष का आश्रय लेके उनके सानिध्य में कथा सुनो। तो संसार में कथा सुनने में नंबर वन पर कौन है, यदि याद हो तो हाथ उठाइए। सबसे अच्छे श्रोता, सबसे अच्छे रसिक, मैं बता देता हूं अभी प्रश्नोत्तर बाद में, वो है हनुमंत लाल। प्रभु चरित्र सुनि रहे को रसिया, ऐसा रसिक कथा का कि जब रामा अवतार की लीला समाप्त हो रही थी सुशील बाबू, तो अयोध्या के सब कीट पतंग और मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, पेड़ पौधे सब चले गए राम जी के साथ गुप्तार घाट, लेकिन नहीं गए तो कौन, हमारे हनुमंत लाल।
आज भी किसी गांव में शहर में चौराहे पर गदा लिए हनुमान जी खड़े हैं। हम जल यात्रा करके आ रहे थे, रास्ते में हनुमान जी मिल गए मंदिर में, तो उनका साथ चल होना चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए, उनका स्मरण होना चाहिए। तो बोलिए एक बार वीर बजरंग बली की जय। अब हमारी तैयारी पूरी हो गई, तो इतना से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, कलयुग में जो कोई सिद्धि होगी हनुमान जी की कृपा से ही होगी। आप हनुमान चालीसा पाठ करते, उसमें कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत मया ज्ञानिनु पेशारे। एक चौपाई से काम नहीं चलेगा, पूरी राम ए हनुमान चालीसा हनुमंत जी के साथ धराधर 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 तेजी में हम पाठ कर लेंगे। फिर कथा की बोल श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधारो, वरनम रघुवर बिमल अस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हर कलेश जो दर्ज कर लगा देंगे। ओ श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे राम जी से राम राम हो कहियो जी हनुमान। हमारे Come on.
संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसमु सुर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या